चलो बच्चा अब स्टार्ट कर रहे हैं, यही सम को हम दूसरी बार स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पहले मैं चेंज कर ही देता हूँ, ये प्लस है, 7x+1 है। चलो बच्चा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये सम हमने दूसरी बार कर रहे हैं, मतलब ये मेथड नंबर 2 है। पहला तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये एक और मेथड से भी सॉल्व होता है। तो आप बोलोगे सर ये उसका आपको वो लिंक चाहिए, मतलब वो सम देखना है मेथड 1 से, तो ऊपर वाली वीडियो में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपको बोला गया है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट बहुत सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि सर सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखोगे 3 × और ये वाला ब्रैकेट, तो ये वाले ब्रैकेट से आप देखोगे ये पूरा ब्रैकेट ये रेसिप्रोकल है। तो हम ये ब्रैकेट की वैल्यू को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। जैसे ब्रैकेट वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर लेट 7x+1/5x-3, ये एक ब्रैकेट है, इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर लिख दो यहाँ पे y, अज्यूम कर देते हैं, क्या अज्यूम किया y। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 3y और यहाँ पे आप बोलोगे 4 और ये 1/y लेना पड़ेगा, ये समझ में आया। आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट जो है ना उससे उल्टा है, तो 1/y आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पे आप लिखोगे 11, ये तो बोला हुआ है कि x की वैल्यू 3/5 नहीं है एंड -1/7 नहीं है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हम अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y²-4=11। जैसे ये पॉइंट खत्म, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बोलोगे 3y², यहाँ पे 4, यहाँ पे 11y। अब आगे चलते हैं, 3y²-11-4=0। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो कंपैरेटिवली सिंपल, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो फॉर्म में आ गया। तो अब 3 × 4 आप बोलोगे 12 के ऐसे पार्ट करो कि 11 आए, तो आप बोलोगे सर 12 × 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 3y²(12y+y-4=0। 12 में से आप बोलोगे 1 जाएगा तो माइनस आ जाएगा क्या 11। अब ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 3y-4, यहाँ पे +y-4=0। तो y-4 और यहाँ पे 3, आप बोलोगे सर यहाँ 3y है, कॉमन जो निकालना है वो है 3y, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3y+1=0। तो बच्चा ये स्टेप को हम आगे लिखते हैं, y-4=0 एंड 3y+1=0। तो y=4 और यहाँ पे आप बोलोगे सर 3y −1, y = −1/3। अब ये बच्चा y की वैल्यू आई, हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो y की जगह हमने जो अज्यूम किया था वो लिख लेते हैं 7x+1/5x-3=1। जैसे ये पॉइंट सेम, यहाँ पे भी ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, सामने ले जाओ। उससे पहले बच्चा यहाँ 4 है तो आपको 4 ही लिखना है, ये 4 है तो 4 तरीके से लिखेंगे, 7x+1=4×5x-3। मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 7x+1 तो आ गया, 4 से करते तो 20x और यहाँ से आप करोगे -12। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ 1+12, यहाँ पे 20x-7x, तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पे 20 में से 7 जाएगा तो आप बोलोगे 13x हो जाएगा, 13/13 = आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1=x। तो ये पॉइंट हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट बच्चा, सेम यहाँ पे ध्यान में रखना यहाँ माइनस है, तो 3 × मल्टीप्लीकेशन यू और ये यू, तो यहाँ पे 7x+1 और यहाँ पे -1 और ये 5x-3। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 21x, यहाँ से करोगे तो +3, यहाँ पे है -5x और ये +3। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, तो पहले हम 21 को यहाँ रखा और ये 5 को हमने दूसरी साइड ले गए तो प्लस हो जाएगा,
सेम वे बच्चा ये माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, प्लस थ्री ये वाला और ये दूसरी साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस, ये जीरो। सॉल्व करोगे तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में 5 ऐड करोगे तो 26x, x इज इक्वल टू 0/26 जो हो जाएगा जीरो। तो बच्चा ये दोनों मेथड वैलिड है, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा, मेथड वन से करो या मेथड टू से करो, हमें क्या करना है सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा लॉजिक क्लियर करना है, कब ये मेथड यूज करनी है, कब आपको ये माइंड क्लियर होना चाहिए। रास्ते तो बहुत है ये मेथड, मतलब ये सम को सॉल्व करने का, आपको कौन सा इजी लगता है वो आपकी चॉइस है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम में।